कराची में सहाफी अतर मतीन के कत्ल में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार। अशरफ को हब बॉर्डर के करीब से पकड़ा गया। कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। सईद गनी की तस्दीक। रूसी फौज का यूक्रेनी दारुलहकूमत पर चारों तरफ से हमला। कीव की गलियों में लड़ाई जारी है। अमरीकी मीडिया का दावा। शुमाल मगरबी इलाकों में फौजी बेस के करीब शदीद झड़पें, धमाकों की आवाजें। कीव को नहीं खो सकते, आखिरी दम तक लड़ेंगे। मुल्क में जंग लगी है, असलहा चाहिए, भागने के लिए सवारी नहीं। यूक्रेनी सदर ने मुल्क से इनखला में मदद की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। यूक्रेन ने रूसी तैयारा मार गिराया। 150 पैराट्रूपर सवार थे। बरतानवी मीडिया का दावा। यूक्रेन को 118 फौजी तनसीबात तबाह। 11 एयरफील्ड, 13 मिसाइल सिस्टम भी शामिल। 5 तैयारे, 5 ड्रोन और एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया। 150 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी हथियार डाल चुके हैं रूसी वजारत दिफा। अमरीका और कनाडा ने रूसी सदर और वजीर खारजा पर इक्तसादी पाबंदियां लगा दी। असासे मुंजबिंद और प्यूटन पर सफरी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस, पाबंदियां मगरिब की कमजोरी जाहिर कर रही हैं। रूसी वजारत खारजा का रद्द अमल। सलामती काउंसिल में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद रूस ने वीटो कर दी। अमरीकी करारदाद के हक में 11 ममालिक ने वोट दिए। चीन, मुतहदा अरब अमारात और भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पैसे खत्म, खुराक की किल्लत, ट्रांसपोर्ट कोई नहीं। जंगी माहौल के बायस शदीद खतरात लाहक हैं। पोलैंड और हंगरी के बॉर्डर तक कैसे पहुंचे? खुदारा हमें यहां से निकालें। हुकूमत पाकिस्तान और वजीर आजम इमरान खान फौरी मदद करें। यूक्रेन के शहर पल्तावा में फंसे पाकिस्तानी तलबा की अपील। यूक्रेन में तमाम पाकिस्तानी महफूज। लव रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी शहरियों और तलबा के लिए इस्तकबाली कैंप कायम। ज्यादातर तलबा को पड़ोसी मुल्क में मुंतकिल कर दिया। बच जाने वालों को निकालने के लिए इंतजाम कर रहे हैं पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर नोएल। तहरीक अदम एतमाद, शोर से ज्यादा कुछ नहीं। जिसके नंबर गेम पूरे हों वो आनिया जानिया नहीं, एक्शन करता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुस्तकबिल में एक दूसरे की जड़ें काटते रहे। इतिहादी हमारे साथ हैं, मेल मुलाकातों से कुछ नहीं होता। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक का मामला। सियासी राबतों में तेजी। बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की आज शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। आसिफ जरदारी से भी मिलने का इम्कान। तहरीक अदम एतमाद कब और कहां पेश होगी? फैसला नवाज शरीफ करेंगे। इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ने की समरी साइन करके रखी हुई है। वो मर्जी के मुताबिक फैसला न आने पर खुदकुश हमला करेंगे। अगले इलेक्शन में वोट को इज्जत मिलेगी। राणा सनाउल्ला। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। सिंध तहफ्फुज़ हुकूक मार्च का आज घोटकी से आगाज। कोर्ट सब्जर से ओबाड़ो तक कौमी शाहरा पर पार्टी परचमों की बहार। मार्च की कयादत शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, हलीम आदिल शेख करेंगे। सिंध के अवाम 15 साल से करप्ट हुकूमत तले दबे हुए हैं। अपने मुस्तकबिल के लिए सिंधी अवाम के सोचने का वक्त आ गया। गुलामी की जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ना होगा। उम्मीद है पीपल्स पार्टी की नाकिस हुक्मरानी से तंग तबका सर उठाएगा। शाह महमूद कुरैशी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। अपोजिशन के मनफी हथकंडों का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। सियासी मुखालिफीन अदम एतमाद ले आए, घबराने वाले नहीं। हुकूमत को नंबर गेम में सबकत है। उस्मान गुस्तार। कोरोना के फैलाव में कमी। मुस्बत केसेस की शरह 2.25% पर आ गई। मोहलिक वायरस से मजीद 14 अफराद जहां भग। अब तक 30,153 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1,207 नए मरीज।
अम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन। स्पिन बॉम में फानी के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। और PSL 7 का फाते कौन, फैसला कल होगा। फाइनल मुकाबले में शाम 7:30 बजे मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी ने ट्रॉफी पर नजरें जमा ली।